targeting. जी प्लीज मेरा स्टार्ट कर लेते जी. पहली बात सॉरी, एक मीटिंग चल रही थी, मैं इस वजह से लेट हो गया हूँ. जी 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 थैंक यू जी. प्लीज़ थोड़ा आप थोड़ा सा इसी पे थोड़ा सा डिसाइड एक चीज़ कर रहे थे कि आप लोग ही कुछ ज़्यादा ये आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने वो बैकग्राउंड नहीं है बिल्कुल भी, तो उसी पे थोड़ा सा डिसाइड कर रहे थे. तो ज़रा बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ मिक्स करके चलते हैं. कुछ बेसिक्स हम क्लास में कवर कर लेंगे, कुछ आपको हम फिर ना मतलब मेन चीज़ें तो क्लास में मैं कवर करवाऊँगा और कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो कि वो हम फिर रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको कुछ अवेलेबल कर देंगे. उस रिकॉर्डिंग में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगा तो बता दीजिएगा अकॉर्डिंगली. आई विल बी आंसर टू डैट. मैं खुद भी वो रिकॉर्डिंग देख लूँगा साथ और आपके ताकि क्वेश्चन अगर होंगे तो उसको आंसर कर दूँगा. ठीक है जी. तो ज़रा मुझे एक दफ़ा दोबारा कन्फर्म कर लें. जस्ट वैसे तो मुझे अंदाज़ा है ही, जिन्होंने बिल्कुल भी इंट्रो टू अकाउंटिंग नहीं पढ़ी बिल्कुल भी, इतना सोच ही नहीं है जी, थोड़ी सी पढ़ी हुई. ठीक है. ठीक है जी. चलो चलो ठीक. अच्छा जी, जिन्होंने अगर कुछ ने थोड़ी सी अगर पढ़ी हुई है तो वो थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा वेट करें ताकि हम फिर साथ मिल जाएंगे. ठीक है जी. ठीक है जी. तो कल जी, कल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें कल की क्लास. जी जी. अच्छा जी प्लीज जी, एक क्वेश्चन है जी कि एम सी क्यूज कितने मार्क्स के आएंगे. एम सी क्यूज जो एफ एल वन या जो जैसे एफ एल टू का जो पेपर है, इसमें तकरीबन 8 से 10 मार्क्स के, 10 मार्क्स आप कह लें, 10 मार्क्स के एम सी क्यूज आ रहे होते हैं. ठीक है. तो इसकी वेटेज जितनी है उससे ज़्यादा 10-12 मार्क्स अभी तक जो पैटर्न देखा गया है उसमें 10 मार्क्स के क्या हो रहे हैं, एम सी क्यूज क्या हो रहे हैं, एग्जामिन हो रहे हैं. ठीक है. ठीक है. चलें और के सवाल जी. चलें अच्छा जी, लिखिएगा जी. स्टार्ट करते हैं जी, अकाउंटिंग की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं जी. अब मैं ये समझा सकता हूँ. ठीक है जी. कोई नहीं जी, अकाउंटिंग की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं जी, क्योंकि आप में से मोस्ट ऑफ ने कंफर्म किया है कि आपके हालात कुछ ऐसे ही हैं जो कि नहीं होने चाहिए. चलें चलें स्टार्ट. कोई बात नहीं जी, मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनको थोड़ा सा जिनको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है भी वो प्लीज़ लिखें लाजमी, क्योंकि एक दो जगह पे ना बेसिक अकाउंटिंग में चेंज आया है. जिन्होंने पहले पढ़ी भी है, मैं उससे उनको कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका मुझे पता है, उसमें भी थोड़ा चेंज आया है. मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि उस अकाउंटिंग में चेंज आया है जो कि अगर आप एफ ए वन की बुक में देखेंगे ना तो उसको भी रेफर किया गया है. तो स्टार्ट करते हैं जी, बेसिक से स्टार्ट करते हैं. लिखें जी अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है जी. स्टार्ट करते हैं जी. डेफिनेशन पढ़ी हुई कि नहीं पहले. ओ माय, सारा पढ़ा हुआ जबरदस्त. चलें जी, चलें लिखें जी, लिखें जी. अकाउंटिंग लिखेंगे जी. डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्डिंग. अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग, एंड रिपोर्टिंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस. अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ, रिपीट में कह रहा हूँ जी, इज अ लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस. ये जो अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है ये पूरा इसका अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर है. तो यार ये स्क्रीन वाला कैमरा एक ही है कि दो है, एक है. ओह ठीक जी. तो क्या होगा, बिजनेस होगा,
बिजनेस होगा, बिजनेस की ट्रांजेक्शन होगी, उन ट्रांजेक्शन्स ये इसी डेफिनेशन के बेसिस में मैं ये हायरार्की या फ्लो चार्ट बना रहा हूँ। बिजनेस होगा, बिजनेस की ट्रांजेक्शन होंगी, ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे हम रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग के बाद क्या करेंगे क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई के बाद हम उसकी समरी बनाएंगे और समरी बनाने के बाद हम उसे क्या कर देंगे रिपोर्ट कर देंगे। तो पूरी ये डेफिनेशन क्या है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। तो बाय डेफिनेशन तो कुछ लफ्ज आगे पीछे हैं, लेकिन फ्लो चार्ट में क्या होगा, बिजनेस होगा, बिजनेस की ट्रांजेक्शन होगी, ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे और रिपोर्ट कर देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शक्ल में। कुछ चीज़ें मैं साथ साथ ऐड करता जाता हूँ, ये चूँकि जो हमने ये जो टॉपिक स्टार्ट करना है जो हमारा डेप्रिसिएशन है IAS 16 है, उससे पहले ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। तो फ़ायदा नहीं है कि अगर आपको बेसिक वाली बातें नहीं बता दो तो जो आगे पढ़ना है वो समझ नहीं आएगा, तो फ़ायदा नहीं होगा। तो इससे बेहतर है कि हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके समझ लेते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करके अच्छे तरीके से समझा दूँ ताकि हमें बाद में मसले कम आए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या राइज होगा कि बिजनेस की हर बात अभी डिस्कस करते हैं, बिजनेस सारी बातें डिस्कस करते हैं, बिजनेस की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कहाँ पे करना है, रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे, रिकॉर्डिंग कहीं पे होती है ना, कहाँ करेंगे? तो उसका जवाब है जी, रिकॉर्ड हम करेंगे जर्नल में। जर्नल क्या है जी, इट इज़ अ फॉर्मेट वेयर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। ये एक फॉर्मेट है जहाँ पे ट्रांजेक्शंस क्या होती हैं, रिकॉर्ड होती हैं। तो बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड वेयर, रिकॉर्डेड इन जनरल। तो रिकॉर्डेड तो एक जस्ट वर्ड है, तो रिकॉर्डिंग होती कहाँ पे है, जनरल में होगी। अगला वर्ड है जी क्लासिफाइंग, क्लासिफाई करना है। एक बात जरा मैं क्लैरिफाई साथ से करता जा रहा हूँ, ये जो हायरार्की है या जो फ्लो चार्ट है या जो प्रोसेस है, ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। सीक्वेंशियल का मतलब ये है कि बिजनेस होगा तो बिजनेस की ट्रांजेक्शन होंगी, ट्रांजेक्शन होंगी तो उनको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग होगी तो उसके बाद क्लासिफाई या क्लासिफिकेशन होगी, क्लासिफिकेशन होगी तो उसके बाद समरी बनेगी और समरी होगी तो उसको फिर हम क्या करेंगे रिपोर्ट कर देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शक्ल में। तो क्लासिफिकेशन का मतलब है हम क्लासिफाई किस शक्ल में करेंगे, हम इनके कुछ लेजर्स बनाएंगे। लेजर्स क्या होते हैं अभी सीख लेंगे, बस हम नाम लिखते थे अभी, ठीक है? तो जर्नल में रिकॉर्डिंग होगी, लेजर्स की शक्ल में हम क्या कर देंगे, हम क्लासिफाई कर देंगे। समरी या समराइजेशन कहाँ पे होगी, वो होगी ट्रायल बैलेंस की शक्ल में। एक ट्रायल बैलेंस होगा, वहाँ बैलेंस से क्या बन जाएगी, समरी बन जाएगी। मैं अपने लफ्ज रिपीट कर रहा हूँ, ये सीक्वेंशियल एक्टिविटी है। बिजनेस होगा तो ट्रांजेक्शन होंगी, ट्रांजेक्शन होंगी तो जर्नल में रिकॉर्डिंग होगी, जर्नल बनेगा तो लेजर बनेंगे, लेजर बनेगा तो ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस बन जाएगा तो हम रिपोर्ट किस शक्ल में कर देंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शक्ल में। कल हमने थोड़ी सी बात की भी थी सिलेबस को डिफाइन करते हुए, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लफ्ज आया था तो मैंने कहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 कंपोनेंट होते हैं। तो मैंने ये आपको बता दिया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि 5 कंपोनेंट बनाना, ठीक है जी? तो ये हमारे पास अकाउंटिंग की डेफिनेशन से मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया है, यही बेसिक्स हैं, फ्लो चार्ट है, बेसिक अकाउंटिंग से बाहर नहीं है और ये सीक्वेंशियल एक्टिविटी है और सीक्वेंस में ये सारा चलेगा।
बिजनेस से स्टार्ट करते हैं जी। मैंने इसीलिए आई थिंक अभी सुबह शायद मैंने भेजी है, शायद मैंने एक फाइल आपको सेंड की है, वो इंट्रोडक्शन के नाम से है, ठीक है फाइल। उसमें से भी हम कुछ चीज़ें क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, वो थ्रेटिकल काफ़ी बातें हैं, वो आपको हेल्प करेंगी, कहीं पे थोड़ा प्रॉब्लम आएगा तो वहाँ से आप असिस्टेंस ले सकते हैं। तो मैं आपको खुद बताता जाऊँगा कि आपने उसमें से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो बिजनेस की बात करते हैं जी। बिजनेस की बात करते हैं जी। जब आपने डिसाइड कर लिया है कि हमने बिजनेस करना है, तो लिखें जी, बिजनेस की तरफ से लिखें जी, एन एक्टिविटी, लिखें जी प्लीज, बिजनेस की तरफ से लिखें जी, एन एक्टिविटी विच इज डन, एंड एक्टिविटी एन एक्टिविटी विच इज डन टू टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। तो जब भी बिजनेस आप करते हैं तो बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, ऑब्जेक्टिव ही होता है कि आपने करना है, आपने प्रॉफिट कमाना है। उसमें लॉस भी आ सकता है, लेकिन लेकिन लॉस सफ़र करना या लॉस सस्टेन करना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होता। आपका ऑब्जेक्टिव ही होता है कि हमने क्या करना है, हमने प्रॉफिट अर्न करना है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखे जी ऑब्जेक्टिव, हेडिंग दे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, या बल्कि ऑब्जेक्टिव कह लें स्लैश फीचर्स कह लें, ऑब्जेक्टिव स्लैश कर लें फीचर, ऑब्लिक का साइन यूज कर लें, ऑब्जेक्टिव ऑब्लिक या स्लैश का साइन, फीचर्स ऑफ बिजनेस जी। बिजनेस जैसे मैंने इसको डिफाइन भी किया कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव या फीचर क्या है, कि ये क्यों किया जाता है, इट इज अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट। वेन एवर वी डिस्कस बिजनेस, तो इसका मतलब ध्यान में पहले चीज क्या आती है, प्रॉफिट। लॉस नहीं आता, जैसे मैंने बताया कि लॉस, वी मे सफर अ लॉस, लेकिन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है कि हम क्या करें, हम प्रॉफिट अर्न करें। बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, मैं प्रॉफिट के सेंस में बात कर रहा हूं, वो किससे बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू ऑनर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के जितने भी ऑनर्स होंगे, बिजनेस का प्रॉफिट किसको बिलोंग करेगा, बिजनेस के ऑनर्स को। अब प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट कम आए, या प्रॉफिट ना हो, वो किससे बिलोंग करता है, बिजनेस के ऑनर्स से। प्रॉफिट जो होता है ना, ये अक्सर हमने शायद पहले भी सुना हो, प्रॉफिट क्या होता है, इट इज द रिवार्ड ऑफ एक्सेप्टिंग एक्सेप्टिंग द रिस्क। प्रॉफिट रिवार्ड होता है ऑफ एक्सेप्टिंग द रिस्क। अक्सर हम देखते होंगे कि जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट वुड बी। हम ये भी अक्सर इस तरह की बातें सुनते हैं कि जितना जितना रिस्क ज़्यादा होगा उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो प्रॉफिट क्या होता है, इट इज़ ए रिवार्ड ऑफ एक्सेप्टिंग द रिस्क। बिजनेस प्रॉफिट कमाया कैसे जाता है, अभी मैं एक डायग्राम में बनाता हूँ, ये बात उसी से रिलेटेड है। बिजनेस में अगर आप बिजनेस
करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले आप क्या डिसाइड करेंगे कि आप या तो गुड्स में, गुड्स का मतलब है किसी टेंजिबल चीज़ में डील करेंगे, या आप सर्विसेज में डील करेंगे। तो बिजनेस में आप प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, इधर यू सप्लाई द गुड्स को या आप सप्लाई या सेल करते हैं, और या आप क्या करते हैं, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इधर यू वुड बी सेलिंग द गुड्स, टेंजिबल चीज़ में भी डील कर सकते हैं आप, और इनटेंजिबल सर्विस में भी डील कर सकते हैं। तो पॉइंट फोर का फीचर क्या है, लिखें जी, बिजनेस मेक्स प्रॉफिट बाय सप्लाइंग गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग द सर्विस। बिजनेस क्या करता है, या बिजनेस गुड्स सेल करता है, या बिजनेस क्या करता है, सर्विसेज को प्रोवाइड करता है इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट को कमाने के लिए। ठीक है जी, आप जरा इस पे आ जाते हैं जी। फॉर्म्स, ये पॉइंट डी से रिलेटेड ही पॉइंट है ये, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की शक्ल क्या होगी, आप बिजनेस किस तरह से बनाएंगे, कौन से टाइप ऑफ बिजनेस आप करेंगे, तो पॉइंट नंबर डी से ही रिलेट हो रहा है ये। अगली बात कि फीचर्स खत्म हो गया, मैं फॉर्म्स पे आ गया। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप क्या डिसाइड करेंगे, जैसे मैंने भी मेंशन किया कि आप गुड्स में डील करना चाहते हैं, क्या आप सर्विसेज में डील करना चाहते हैं। अगर आप गुड्स में डील करना चाहते हैं तो आप गुड्स की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, आप गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। हमारी हेडिंग है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की शक्ल क्या होगी, बिजनेस शक्ल का मतलब फॉर्म क्या होगी, मतलब बिजनेस सोल प्रोवाइडरशिप होगा, बिजनेस पार्टनरशिप होगी, बिजनेस कंपनी क्या होगी, ये हमारी मर्जी है कि हम अपने बिजनेस के फॉर्म क्या रखना चाहते हैं। हर फॉर्म के अपने फ़ायदे नुकसान होते हैं, लेकिन इट इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस कि आप बिजनेस को कैसे मैनेजर रन करना चाहते हैं। सर्विसेज में भी ऐसे ही है जी, कि आप सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप सर्विसेज में कौन सा फॉर्म आप बनाना चाहते हैं बिजनेस का। तो जी तीन फॉर्म्स हम बना सकते हैं, एज इंडिविजुअल, या आप सोल प्रोप्राइटर में डील कर सकते हैं, आप पार्टनरशिप में भी डील कर सकते हैं, और आप कंपनी बना के भी क्या कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सेम चीज़ें इधर भी अप्लीकेबल होंगी, अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं तो ये तीनों पॉइंट्स इधर भी एप्लीकेबल होंगे, सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप या कंपनी। जी, और यही तीन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जो हैं यहाँ पे भी हमारे पास अवेलेबल। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉलो करना चाहते हैं। मैं अब एक जगह पे लिख रहा हूँ कॉमन सी बातें, कंपनी के केस में फर्दर क्या हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ
but it would apply same to services and same to the trading business. Company दो किस्म की हो सकती है, further अगर बात करें कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, कंपनी पब्लिक भी हो सकती है. ये हमारे कैफ में भी एक सब्जेक्ट है कंपनी लॉ का, वहाँ पर भी आप इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर बाकी थोड़ा सा पढ़ेंगे. पब्लिक कंपनी फर्दर लिस्टेड भी हो सकती है, लिस्टेड कहाँ पे, ऑन स्टॉक एक्सचेंज, और ये नॉन लिस्टेड भी हो सकती है. तो ये हमारे बिजनेस का फॉर्म होगा, जो कि हम इसको ऑप्ट करेंगे कि हम किस में क्या करना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं. नेक्स्ट आते हैं जी बिजनेस के बाद. नेक्स्ट आप लोगों ने ये फ्लो चार्ट बनाया होगा. नेक्स्ट ये बिजनेस की बेसिक्स है. मैंने कंपैरिजन में जाना कि पार्टनरशिप बिजनेस के क्या फ़ायदे नुकसान आते हैं और कंपनी के हैं, दैट इज सेपरेट थिंग. ठीक है, हम सिंपल फॉर्म की डिस्कशन करके आप आगे बढ़ते हैं. ट्रांजेक्शन, ये बढ़िया है बात है, ये अक्सर इसमें बेसिक फ्लॉ रह जाता है. बिजनेस हो गया. अगली बात, अगला क्या था जी, हायरार्की फ्लो आपने बनाया हुआ है. अगली बात क्या जी ट्रांजेक्शन पे आते हैं जी. ट्रांजेक्शन लिखिएगा इसकी डेफिनेशन, लिखिएगा जी बिजनेस ट्रांजेक्शन, लिखिएगा जी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अ फाइनेंशियल इंटरेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अ फाइनेंशियल इंटरेक्शन बिटवीन द बिजनेस बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अ फाइनेंशियल इंटरेक्शन बिटवीन द बिजनेस इट्स कस्टमर्स बिजनेस इट्स कस्टमर्स its suppliers and any other party with whom they do business and any other party with whom they do business and any other party with whom they do business. तो इसमें जी हाईलाइट कर लें, इसमें जो एक लफ्ज़ दो चीज़ें हैं. पहला जो लफ्ज़ अहम है वो क्या है जी, फाइनेंशियल इंटरेक्शन. इट हैज़ टू बी फाइनेंशियल इंटरेक्शन. ये भी तो हो सकता है कि अभी कस्टमर्स पे भी आते हैं, मैं सप्लायर भी एक्सप्लेन करूँगा, वो भी रेलिवेंट है हमारी अकाउंटिंग डिस्कशन में. हो सकता है बिजनेस और उसके कस्टमर्स क्या करें, वो जस्ट एक मीटिंग करें और उसमें बातचीत करके बात ख़त्म हो जाए, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ना हो. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब है उस मीटिंग में कस्टमर ने हमसे ना कुछ बाय किया, ना हमने कस्टमर को सेल किया, तो वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है. वो इंटरेक्शन तो है, इंटरेक्शन तो हुआ है, मुलाकात तो हुई है, लेकिन वो फाइनेंशियल इंटरेक्शन नहीं है. इसी तरह से मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है, इट इज़ अ फाइनेंशियल इंटरेक्शन बिटवीन द बिजनेस इज कस्टमर कस्टमर सप्लायर तो शायद हमें पता नहीं क्या होते हैं एंड एनी अदर पार्टी विद हुम दे डू बिजनेस. तो जैसे बैंक है, बैंक के साथ भी हमारी ट्रांजेक्शन होती हैं. फॉर एग्जाम्पल बिजनेस बैंक, बिजनेस का कोई स्टाफ या बिजनेस का कोई मैनेजर बैंक के पास किया है बिजनेस के बिहाफ पे और उसने डिस्कशन किया, अच्छा लोन हमें चाहिए, अच्छा लोन कितना लोन मिल जाएगा, कब कितने ड्यूरेशन होगी. जैसे डिस्कशन हो गया और मैनेजर बिजनेस के बिहाफ पे जो गया था वापस आ गया वो, तो इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन इट हैज़ टू बी अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. इंट्रैक्शन होगा और फाइनेंशियल इंट्रैक्शन होगा. फाइनेंशियल इंट्रैक्शन नहीं है तो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है. ठीक है जी, अब एग्जांपल लिखिएगा. मैं दो तीन एग्जांपल से बेसिक बता देता हूँ बिजनेस ट्रांजेक्शन की. बिजनेस ट्रांजेक्शन की एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं,
लिखिएगा जी, सेल। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, जो गुड्स का जो लफ्ज़ है ना, मैंने यहाँ पहले भी लिखा था, गुड्स का लफ्ज़ किन के लिए इस्तेमाल होता है? वैसे तो गुड्स किसी चीज़ को वैसे तो रेफर नहीं करता, गुड्स का लफ्ज़ होता है जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं ना, जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं वो गुड्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा बिजनेस है कि हमें मार्केट्स की ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग का मतलब है कि हम बना बनाया मार्केट खरीदते हैं और इसमें प्रॉफिट के साथ इसको बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, तो मार्केट्स जिस प्रोडक्ट में मैं डील कर रहा हूँ, जो मेरा बिजनेस है, जिसको मैं बना के बेचता हूँ या ख़रीदा हुआ बेचता हूँ आगे, वो हमारी प्रोडक्ट, उसे क्या कहते हैं, गुड्स। आइडली तो पूरी इन्फॉर्मेशन में पता होना चाहिए ना कि हम किस चीज़ में डील कर रहे हैं, लेकिन जब कभी गुड्स का लफ्ज़ आया तो गुड्स का लफ्ज़ क्वेश्चन में या कहीं पे भी मैं बोल रहा हूँ, कहीं पे लिखा हो, तो गुड्स का जो लफ्ज़ होता है वो किस चीज़ को रेफर करता है कि जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं उसको रेफर किया जा रहा है, वो जो भी प्रोडक्ट है। तो गुड्स का मतलब है कि जिस प्रोडक्ट में आप क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। तो लिखिएगा जी, ये लिखिएगा एग्जाम्पल में, लिखिएगा सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर, सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। गुड्स सेल करना कैश पे या क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है उधार, क्रेडिट का मतलब होता है आपने चीज़ें भी सेल कर दी हैं और लेकिन आपको जो पैसे होंगे वो कब मिलेंगे, वो पैसे आपको कुछ अर्से बाद, वो कितने टाइम बाद मिलेंगे, ये भी दोनों पार्टी क्या कर लेती हैं, आपस में एग्री कर लेती हैं। तो कैश में सेल करेंगे तब भी वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, उधार पे सेल करेंगे वो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ये मैं क्यों उधार वाली बात कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जब ये सीख रहे होते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग, वो फाइनेंशियल इंट्रैक्शन का मतलब समझ लेते हैं, जिस ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व होगा वो फाइनेंशियल इंट्रैक्शन है, जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होगा फाइनेंशियल इंट्रैक्शन नहीं, ऐसा नहीं है। उधार पे सेल की आप अपनी प्रोडक्ट दे दी है कस्टमर को, उसको प्रोवाइड कर दी है, डिलीवर कर दी है, ये भी फाइनेंशियल इंट्रैक्शन है, हालांकि आपको भी पैसे नहीं मिले, तो ये भी फाइनेंशियल इंट्रैक्शन में ही आएगा। नेक्स्ट देखिएगा जी, परचेज करना या बाय करना, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर ऑन कैश और क्रेडिट। जैसे आप उधार पे सेल कर सकते हैं, कैश पे सेल कर सकते हैं, वैसे ही आप उधार पे बाय भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। तो कैश पे भी परचेजिंग हो सकती है और क्रेडिट भी परचेजिंग हो सकती है, क्रेडिट पे भी आप परचेजिंग कर रहे होंगे तो वो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन में आएगा। तीसरा, एक दो बातें मैं और बता देता हूँ, बिजनेस में हमारे पास स्टाफ होता है, स्टाफ की सैलरीज हो, जो हमारे ऑफिस की बिल्डिंग है उसका रेंट हो, ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। तो सैलरी पे करें आप, सैलरी लो आपके बिजनेस की, रेंट हो, आपने बैंक से लोन लिया हो, ये सारी भी किस्में आएंगी बिजनेस ट्रांजेक्शन में। तो मैं इकट्ठे बता देता हूँ, लिख लीजिएगा पॉइंट थ्री में लिख लें सैलरीज ऑफ बिजनेस स्टाफ रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग लोन फ्रॉम बैंक लोन्स फ्रॉम बैंक, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग मैं कच्ची एग्जाम्पल पॉइंट से लिखवाता जा रहा हूँ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग
यूटिलिटीज बिल्स ऑफ ऑफिस, यूटिलिटीज बिल्स ऑफ ऑफिस, ऑफिस के जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं, बिजली पानी गैस के सारे बिल जितने भी हैं, ये सारे भी क्या हैं जी, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं, इन सब में क्या हो रहा होता है, हमारा फाइनेंशियल इंट्रैक्शन हो रहा होता है, ठीक है जी। तो ये कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए। अभी तो आगे बढ़ेंगे तो कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे तो वहाँ पे और चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। अच्छा, अभी ना हमने अपने जेन में ना ट्रेडिंग बिजनेस रखना है, गुड्स का बिजनेस और ट्रेडिंग बिजनेस रखना है। बिजनेस क्या करता है, बिजनेस का जो फंक्शन क्या होता है, बिजनेस बाय करता है अपने गुड्स, बाय करता है अपने सप्लायर से और उनको फिर प्रॉफिट पे सेल कर देता है अपने कस्टमर्स को। कस्टमर्स वो पार्टीज होती हैं जिनको गुड्स सेल की जाती हैं और ज़ाहिर है प्रॉफिट पे सेल की जाती हैं, हमारी कॉस्ट से जितने का हम बाय करते हैं उससे ज़्यादा प्राइस पे सेल करते हैं। सप्लायर भी दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं कैश सप्लायर, एक होते हैं क्रेडिट सप्लायर। वैसे ही कस्टमर भी दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं कैश कस्टमर, एक होते हैं क्रेडिट कस्टमर, उधार के कस्टमर, उधार के सप्लायर। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अकाउंटिंग में इनके कुछ स्पेसिफिक नाम हैं। वो सप्लायर जिनसे हम उधार पे गुड्स क्रेडिट पे गुड्स बाय करते हैं, उनको अकाउंटिंग में उनका नाम है ट्रेड पेबल्स भी कहते हैं, उन्हें उनको ट्रेड पेबल्स भी कह सकते हैं। और दूसरा नाम उनका क्या जी, उनको क्रेडिटर्स भी कह सकते हैं। ये दोनों में से आप कोई एक नाम यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नाम यूज नहीं करना। और भी कई किस्म के पेबल्स वगैरह होते हैं लेकिन वो ट्रेड क्रेडिटर नहीं होते। ट्रेड क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल्स वो लोग हैं जिनसे हम उधार पे खरीदते हैं और क्या खरीदते हैं, गुड्स। गुड्स का मतलब है वो प्रोडक्ट जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। कस्टमर हमारे कैश कस्टमर भी होते हैं, उनका नाम कैश कस्टमर ही है, कैश सप्लायर का नाम कैश सप्लायर ही है। लेकिन जो हमारे उधार के कस्टमर होते हैं, अकाउंटिंग में उनको हम ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं या ट्रेड डेटर्स कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल या ट्रेड डेटर्स। वो कस्टमर जिनको हम क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं वो हमारे क्या हैं जी, वो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं या ट्रेड डेटर्स। ठीक है जी, यहाँ तक चलें। जी नेक्स्ट लिखिएगा जी, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस, अक्रूअल बेसिस। There are two bases of accounting.
देर आर टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वन इज कैश बेसिस एंड अदर इज अक्रूअल बेसिस. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है जी, लिखिएगा जी, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड दैट इन्वॉल्व कैश इनफ्लो और आउटफ्लो. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है जी, इस बेसिस ऑल तो हम इसको फॉलो नहीं करते बट वी शुड नो इट क्योंकि इस पर कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं जिनमें कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होता है. फॉर एग्जांपल, आपने कैश पे अपनी गुड्स को सेल किया, ये ट्रांजैक्शन कैश बेसिस में रिकॉर्ड होगी. आपने कैश पे गुड्स को बाय किया, ये ट्रांजैक्शन कैश बेसिस में रिकॉर्ड होगी. लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने लिखा कि क्या लिखा कि हाँ ये लिखा कि बिजनेस ट्रांजेक्शन में हाँ याद आ गया, याद आ गया, डाटा बेस इंसान है ना, याद करना पड़ता है. अभी हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन में लिखा कि अगर हम उधार पे सेल करें या उधार पे परचेज करें क्रेडिट पे, तो वो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन में आता है. अब आप फर्ज करें हमने क्रेडिट पे गुड्स को बाय किया. अब दिस इज ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है, लेकिन कैश बेसिस के मुताबिक ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया जाएगा. जो कैश बेसिस कहती है सिर्फ वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी जो जिसमें कैश इनफ्लो या आउटफ्लो की इन्वॉल्वमेंट होती है. इसे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. मैं आप सबसे मैंने पहले भी शुरू में क्या है कि जिन्होंने पहले थोड़ी सी पढ़ा हुआ तो ये थोड़ा सा आपको इसके साथ साथ चलना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा. जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो तो इंशाल्लाह सीख लेंगे, मैं इंशाल्लाह चीज़ें सिखा दूंगा. क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शन थी, एक ऑप्शन ये थी कि मैं आपसे कह दूँ कि आप सारा ही रिकॉर्डिंग वगैरह अवेलेबल है, या कुछ आई थिंक सेशन भी एक हुआ है शायद, कुछ ने पढ़ा हो, दानियाल ने करवाया था कुछ ने पढ़ा हो, लेकिन उससे रिकॉर्डिंग जितना जिस तरह से मतलब आप लोग देखते हैं या उसको प्रॉपरली ही देखा गया कि स्टूडेंट फॉलो नहीं करते, उसका फ़ायदा नहीं है. मैं जो आगे बातें पढ़ा रहा हूँगा वो आपको समझ नहीं आ रही होगी, एक ऑप्शन ये थी. दूसरी ऑप्शन थी मैं कुछ आपको खुद इतना इनेबल कर दूँ, इसमें मेरी एफर्ट ज़्यादा लगनी है, लेकिन मैं खुद आपको इतना इनेबल कर दूँ, इस काबिल कर दूँ कि जो हमने आगे पढ़ना है वो कुछ समझ तो आए ना. उनका फ़ायदा क्या होगा, मैं तो पढ़ा के चला दूँगा लेकिन फ़ायदा उसका नहीं होगा. अगर आप सीख नहीं रहेगा मतलब आपको समझ नहीं आ रहा, तो फिर कैसे आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होगा. तो ये सिर्फ इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हम थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं, क्योंकि अगर मेजोरिटी ऑफ क्लास को कुछ ये चीज़ें नहीं आती तो फिर फ़ायदा क्या. तो जिन्होंने पढ़ा हुआ जैसे मैंने पहले मैं थोड़ा सा आप साथ चलें ताकि आपको भी इसमें कुछ चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी, कुछ चीज़ें रिफ्रेश हो जाएंगी. अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि अगर हमने उधार पे चीज़ें गुड्स बेची हैं या खरीदी हैं तो कैश बेसिस में ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होती. कैश बेसिस एक नैरो बेस्ड अप्रोच है, वो इतनी ब्रॉडर अप्रोच नहीं है. अक्रूअल बेसिस क्या कहती है, लिखेगा मैं बोल देता हूँ इंग्लिश में, लिखेंगे दोस ट्रांजेक्शंस अक्रूअल बेसिस बोल रहा हूँ, दोस ट्रांजेक्शंस दैट मीट द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन
those transactions that meet the definition of business transaction should be recorded in the books. That meet the definition of business transaction should be recorded in the books. Should be recorded in the books का मतलब है should be recorded in journal. अभी journal में पढ़ा ना हमने, journal में record होनी चाहिए. Should be recorded in the books. Books means journal. ठीक है जी. तो जो भी ट्रांजेक्शन, रेहान हमारी क्लास 11:15 तक ही है ना, तो मुझे पता है 11:15 तक है ना. हाँ बस ठीक है, कन्फर्म कर लो. कन्फर्म वो जो बाहर है वो कह दो सब्र करें पे. हाँ ठीक है यार, कह दो तेरे बाहर उनको वेट करें पे, थोड़ा टाइम नहीं हुई बार उनको शायद पता नहीं बाहर इसलिए क्या. अच्छा तो मैं ये बता रहा था कि जैसे आपने उधार सबसे कॉमन और भी एग्जांपल है, मैं भी एग्जांपल दे नहीं रहा. जो उधार पे आपने क्रेडिट पे आप कोई बाइंग करेंगे या सेल करेंगे उधार पे, कैश बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं होगा लेकिन अक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड होगी. इस तरह की और एग्जांपल भी हैं जहां पर बिजनेस ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन तो मीट होती है लेकिन उस दिन उस वक्त उस लम्हे कोई कैश इन या आउट नहीं हो रहा होता, लेकिन अक्रूअल बेसिस के मुताबिक वो ट्रांजेक्शन क्यों रिकॉर्ड होती हैं, क्योंकि वो बिजनेस ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन को मीट करती हैं और वो हम उसको उन ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं जी. तो यहाँ पर अगली हम इस फ्लो चार्ट को अपडेट करते जाएंगे. ये पहले भी लिखा हुआ आप लोगों ने, आपने एक बार ही लिखना है, उसी को अपडेट करते जाइएगा. बिजनेस की ट्रांजेक्शन को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल. तो पूरा लफ्ज अभी भी बात पूरी नहीं हुई लेकिन फिलहाल बात क्या बनेगी, बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन जर्नल और किस बेसिस पे, ऑन अक्रूअल बेसिस. तो बिजनेस की ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं लेकिन किस बेसिस पे होती हैं, अक्रूअल बेसिस पे. कैश बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं होती, अक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड होती हैं. अक्रूअल बेसिस पे, अक्रूअल बेसिस ज़्यादा ब्रॉड बेसिस है. अक्रूअल बेसिस पे वो ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होती हैं जिनमें कैश इन्वॉल्व होता है और वो ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होती हैं जिनमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता और वो बिजनेस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन को मीट करती हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमने बेसिस होगी. अच्छा आगे हमने कल कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो बात कर ली थी. नेक्स्ट हेडिंग लिखें इंशाल्लाह, कल हम अपने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पे आ जाएंगे. अभी लिखें हेडिंग लिखें एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एफएस का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हेडिंग लिखें एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कॉम्पोनेंट पांच थे वैसे पांच एलिमेंट्स है. लिखें जी देर आर फाइव एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पांच एलिमेंट्स हैं. एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है, अच्छा ठीक, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए जिन न्यूमेरिकली जिन चीज़ों की जरूरत होती है वो बस पांच हैं. अगर हम सिर्फ बेसिक बात करें, हमने कल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पांच चीज़ें पढ़ी थी.
एक SOFP थी, एक SOCI थी, पांच नाम थे। अभी हमने बेसिकली बेसिक लेवल पे से दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक SOFP स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल सॉल्यूशन और दूसरी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, ये अभी दो ध्यान में रखेंगे तो बात समझ आ जाएगी। तो आप ये समझें कि इन दोनों को बनाने के लिए जिनकी ज़रूरत होती है वही पाँच एलिमेंट हैं। नाम लिखें जी, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल। पूरी अकाउंटिंग जो है ना, पूरी बेसिक अकाउंटिंग इन पांच एलिमेंट से गिर्द घूमती है, इन पांच का से बाहर नहीं है। आपने अगर अकाउंटिंग सीखी है तो पांच एलिमेंट आने चाहिए, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस इनकम। एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस और इनकम। अच्छा, मैं फिर अपने रिपीट कर रहा हूँ कि इनको समझने के लिए आपने आपने दो चीज़ों को ध्यान में रखना है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आप इसके एंड पे लिखिएगा बाद, एक इन पांच के बाद लिखिएगा, लिखिएगा द एलिमेंट्स, इन पांच के बाद लिखिएगा, ये पांच पॉइंट्स के बाद लिखिएगा, द एलिमेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स। भाई एंड पे आप लिख रहे हो कि नहीं, प्लीज हाँ लिखे यार, मैं अभी इंशाल्लाह कल मैं आपके पास भी चेक करूंगा। ठीक है, आज तो भी रात थोड़ा सा मैं आया भी लेट है। प्लीज लिखना सब ने कि नोट सारे बताएँ, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है जी, क्या था जी, द एलिमेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। ज्यादा बोल दिए, रिपीट कर देते कोई मसला नहीं, आपने बहुत से जल्दी जी दोबारा लिखे जी, सुन ले जी, द एलिमेंट्स दैट आर इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन आर, इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन आर। पहली तो बात आपने ये याद रखनी है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन क्यों बनाई जाती है, बिजनेस की वर्थ फाइनेंशियल पोजिशन को डिटर्मन करने के लिए, इसलिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन बनाई जाती है। और उसमें बस तीन चीजें आती हैं, आर के बाद लिखें एसेट्स, आर एसेट्स लायबिलिटीज, आर एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो ये जो पहले तीन मैंने एलिमेंट लिखे हैं ना, ये जो एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, ये किस लिए इस्तेमाल होती है, इस्तेमाल होते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये कौन से हैं, एसेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। अगर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को आप डिटर्मिन करना चाहते हैं तो ये आपको ये एलिमेंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट लिखिएगा, क्या हो गया जी, क्या हो गया, समझा नहीं, टाइम हो गया, हाँ पता है मुझे, लिखे क्या बात, क्लास इधर ही है ना आपकी, अभी कहाँ है,
एक्सेल की थी बेसिक में चले जाना फिर क्या साथ ही तो है लिखे नहीं लिखे बारह बजे तक अब मैं क्या जवाब दूंगा बाकी ने क्लास में नहीं यार चले जी कल लिखेंगे लास्ट लास्ट डे के